हेलो दोस्तों, मैं शंकर। आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़की की नजरों में वैल्यूबल इंसान या वैल्यूबल लड़के कैसे बने। मतलब कि जिस भी लड़की के लिए आप अलग फीलिंग रखते हो, आपके दिल में उसके लिए अलग जगह बन चुकी है। ठीक है, आप उस लड़की के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, उसको ज्यादा अटेंशन दे रहे हो, उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपको हल्के में लेती है, आपकी उतनी कदर नहीं करती जितना कि आप उसकी करते हो। तो उसकी नजरों में ना आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आपको कुछ भी नहीं समझती है। तो ऐसे ही लड़की की नजरों में आप वैल्यूएबल इंसान कैसे बन सकते हो जिससे वो आपकी कद्र करने लगे। आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में एक ऐसी लड़की है, ठीक है, जिसे आप अपनी वैल्यू जो है रियलाइज कराना चाहते हो, उसके लिए खास इंसान, एक अलग पर्सन बनना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पहले तो अपनी वैल्यू समझो। देखो, कहते हैं ना कि अगर आप किसी की रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट करोगे ना तो ही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अपनी इज्जत करना आप जानते हो ना तो ही आप दूसरे से या सामने वाले से ये उम्मीद कर सकते हो कि वो आपकी इज्जत करेगा, ठीक है। और जो लोग खुद की इज्जत नहीं करते ना, खुद के ओपिनियन को कुछ भी नहीं समझते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों की दूसरे भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए वैल्यू अगर आप लड़की की नज़र में बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ। ठीक ऐसे ही जैसे कि बहुत से शॉपकीपर, बहुत से दुकानदार ऐसे होते हैं जो फिक्स रेट में सामान देते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके सामान की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो वो अपना लेवल उस हद तक बना के रखते हैं कि आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो चलते बनो, ठीक है। वो एक रुपये भी कम नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको जबरदस्ती देंगे, चलो इतने में ले लो, ठीक है। तो इसी से ही अंदाजा आप कर सकते हो कि अगर कोई इंसान आपकी अपनी वैल्यू करते हो ना तो ही सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा। ठीक ऐसे ही रिलेशनशिप में भी होता है। अब लड़की चाहे जैसे भी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी क्रश हो सकती है, या कोई भी लड़की, जिस भी लड़की के लिए आप अलग फीलिंग रखते हो, जिस भी लड़की को आप ये एहसास कराना चाहते हो कि वो आपकी वैल्यू करे, आप उसके लिए वैल्यूबल बनो, तो सबसे ज़रूरी तो यही है कि आप पहले खुद की वैल्यू करना सीखो, तब आप सामने वाले या उस लड़की से उम्मीद कर सकते हो कि वो आपकी वैल्यू करे। ठीक इसके अलावा और भी कई तरीके होते हैं, जैसा कि अगर आप उस लड़की के लिए वैल्यूबल इंसान बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो आप उस लड़की की उन चीज़ों पर ध्यान दो जो वो अपने पार्टनर में देखना चाहती है, ठीक है। ऐसा करने का फायदा क्या होगा कि जब आप वो चीज़ें अपने अंदर दिखाने की कोशिश करोगे, ठीक है, जो वो चाहती है एक लड़के में, या जो उसका ड्रीम बॉय है, उसके सपनों का राजकुमार है, वो क्वालिटी जब आपके अंदर दिखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उसको आपकी वैल्यू रियलाइज होगी कि यार ये इंसान बिल्कुल वैसा है जैसा कि मैं सोचती हूँ या जैसा मैं चाहती हूँ, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं उसे आपकी वैल्यू पता चलेगी। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर एक लड़की आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देती है, तो इसके मोस्टली लड़के खुद ही होते हैं कि वो अपने पैरों पे खिलाड़ी खुद ही मार लेते हैं। लड़की को ज़्यादा टेंशन देके, उसके लिए ज़्यादा हर जगह अवेलेबल रह के, उसकी हाँ में हाँ मिलाने से, तो ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप किसी लड़की की नज़रों में अपनी वैल्यू बनाना भी चाहते हो, उसके लिए वैल्यूबल इंसान बनना भी चाहते हो ना, तो आपको ये इतना ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी करोगे ना, तो ये चीज़ लड़की देख कर अपने आप ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि मोस्टली लड़कियों का नेचर ही ऐसा होता है। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।